आज शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के कार्य समिति बैठक जिला कार्यालय पर अध्यक्ष मधु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्य समिति बैठक में मुख्य अतिथि MLC भाषा प्रदेश मंत्री जिला प्रभारी विजय तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जिला कार्य समिति का उद्घाटन जिला अध्यक्ष मधु शर्मा, जिला प्रभारी विजय शिवहरे, विधायक राजेश चौधरी ओम प्रकाश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का शुभारंभ महिला मोर्चा के द्वारा वंदे मातरम पाठ से हुआ। जिला महामंत्री अनिल चौधरी के द्वारा कार्य संस्कृति में प्रस्ताव किया गया। कार्य समिति के प्रथम सत्र का शुभारंभ महिला मोर्चा के द्वारा वंदे मातरम पाठ से हुआ। जिला महामंत्री अनिल चौधरी के द्वारा कार्य संस्कृति में प्रस्ताव किया गया। जिला उपाध्यक्ष दिगंबर चौधरी के समर्थन में किया। वहीं जिला मीडिया प्रभारी सचिन त्रिवेदी ने अनुमोदन किया। कार्य समिति बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी विजय शिवहरे ने कहा कि पूर्व की सरकार सपा बसपा कांग्रेस ने किसानों की कमर तोड़ दी थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से किसानों को हमाती है, उनको मजबूती के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य निश्चित ही संगठन को आगामी चुनावों के लिए मजबूत करना है, 2024 में फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनाना है। मंडल के अध्यक्ष, कार्य समिति के सदस्य, मातृशक्ति विभाग संयोजक, मोर्चों के अध्यक्ष और संयोजक, अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपके बीच में मोदी जी और योगी जी की कार्य योजना के बारे में बताया, और एक वक्ता ने संगठन के बारे में भी आपको जानकारी दी। मेरा अपना व्यक्तिगत मत दीजिए, हो सकता आपका मत हो या नहीं हो, मैं नेता उसी को मानता हूं जो अपने भूत को जिता के लाके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देता है। नेता वो, अरे पार्टी के 15 दिन का पखवाड़ा चला भी था। मोदी जी के 8 वर्ष होने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 15 दिन का पखवाड़ा चलाया था, बूथ शक्तिकरण अभियान। अब अभी चलेगा 2024 तक। क्या हमने अपने बूथ में क्या कमी रह गई? क्या सामाजिक समीकरण के आधार पर मेरा संपर्क हुआ नहीं हुआ? क्या वहां पे जो बुद्धिजीवी वर्ग उनसे मेरा संपर्क हुआ नहीं हुआ? ये काम आपको करना था। सरकार की योजना में आते पत्रक बांटते जाते हैं, क्योंकि पार्टी के विभिन्न दायित्व पे है, तमाम जिम्मेदारी है, लेकिन 2024 में मोदी जी को लाने के लिए हमको अपने बूथ को मजबूत भी करना होगा। और उसी कड़ी के अंदर उसमें पूर्ण प्रकाश की राय थी, और हम तीनों कल शाम को बैठक में जुड़े थे। प्रत्येक विधायक को 50-50 बूथ अलग से दिए गए, सांसद के पास 100 बूथ अलग से दिए गए, और अभी पूर्ण प्रकाश जी कह रहे सी बूथ की बात कर रहे हैं। हमें सी बूथ पे कोई मगजमारी नहीं करनी, कोई ध्यान नहीं देना सी बूथ पे। स्पष्ट करने जा रहा हूं, जिला प्रभारी होने के नाते हमको जो फोकस करना है वो बी बूथ का, जो हमारा कैटेगरी का बूथ है, हमको उस पर फोकस करना है, उसको लेके आना। सी को छोड़ दो, आप सी की चिंता नहीं करनी हमको। टोटल 1,76,000 प्रदेश के अंदर बूथ है, 1,05,000 ए कैटेगरी के बूथ है, 40,000 हमारे बी कैटेगरी के बूथ है, और 30,000 से 35,000 सी कैटेगरी के बूथ है, और ऊपर 13,000 बूथ ऐसे जो कभी हम जीते नहीं, तो उन पर ध्यान नहीं देना। 40,000 बूथ जो बी कैटेगरी के बता रहा हूं आपको, उसमें से कभी जीते कभी हारे, कभी जीते कभी हम हारे, तो हमको उन पर ध्यान देना जो बी। धार्मिक दृष्टि से देश में एक विशेष स्थान रखता है, जिसमें कि हमारा जिला मथुरा तो योगीराज श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि व क्रीड़ा स्थली होने के कारण देश ही नहीं वरन पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया। आप सभी को बधाई देना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा अपनी सरकार बनाकर जो इतिहास रचा गया, उसमें कहीं ना कहीं हम ब्रजवासियों का भी ऐतिहासिक योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व व कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के कुशल प्रशासन
व आप सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने जिले की 5 विधानसभा जीतकर भी एक इतिहास कायम किया है। जिस विधानसभा को बड़े बड़े दिग्गज भी हारा हुआ मानते थे, जब 2017 की बात है, जब मैं माण्ड विधानसभा के चुनाव की संयोजक थी, रात में केशव धाम में हमारी बैठक हो रही थी, सभी प्रत्याशी और सभी विधानसभाओं के संयोजक